व्यक्ति की ओर से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, पुरस्कार वितरण होगा, आपकी गरिमा में उपस्थिति, क्या कहना चाहेंगे सर? श्री नारायण सेवा समिति 8 वर्ष से कार्य कर रही है, हर वर्ष कुछ न कुछ कार्यक्रम करती है जिससे विद्यार्थियों का चैलेंज जब उभर के आता है। और कभी कभी जैसे पहले श्री कृष्ण जी का चित्र बनवाया था तो जिसमें अध्यात्म भी हो, टैलेंट भी हो और समाज की जितनी भी जरूरत है उन्हें देखते हुए ये बच्चों के मस्तिष्क का उभार है। और इसमें श्री कठेरिया जी का विशेष स्थान है, अध्यक्ष जी हैं और सब जनों बहुत बड़ा था। स्थापना दिवस मना रही है, बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, आपकी उपस्थिति हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आज नारायण सेवा समिति के द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, उसमें जिन बच्चों ने सहभागिता की और जिन्होंने विजयी होकर अपना स्थान प्राप्त किया है प्रथम द्वितीय तृतीय, उसी के अनुसार आज पुरस्कार जो है बच्चों के लिए वितरित किया जाएगा। हार हमेशा हार नहीं रहती है, हार कभी ना कभी जीत भी बनती है। ये जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारे आयाम हैं और आयाम और पड़ाव बच्चों से और चुनाव का है कि यो जो प्रशस्ति पत्र आपको मिलेंगे यहाँ से, इन प्रशस्ति पत्रों का भी एक मूल्य है। आप इसको कागज का टुकड़ा ना समझें, पीछे कोई बात कर रहे हैं, अगर बात करनी है तो यह माइक पर आ जाए कृपया। बेटे बच्चों बात नहीं करो, वो पीछे मुड़कर अभी बात कर रही है, अभी बात ही कर रहे हैं और आपकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जो बच्चे सफल होते हैं उनके उपयोग ना होने देना, प्राकृतिक संसाधनों में सबसे पहले हम अगर जल को ले लें, वायु को ले लें, अभी कोरोना काल में कि केवल भाषणबाजी ना हो, किसी से नहीं तो बच्चों से जुड़ के काम करें। समाज सेवा कई प्रकार की हो सकती है, आपकर से भी होती है, ये बुद्धि की परीक्षा है, बुद्धि की प्रतियोगिता है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।